लाइन। यंग हैंडसम युवान को देखने के लिए आज मोहल्ले की सारी औरतें छत पर आ खड़ी हुई हैं। वैसे आपको बता दें, इस बात के युवान को कानों कान खबर नहीं है, ये सारा किया धरा तो बच्चों का है, जो एक्सरसाइज कर रहे युवान को देखने के लिए औरतों से पैसे ले रहे हैं। ये सारा तमाशा देख अमृत युवान को जमकर खरी खोटी सुनाती है। पैसे कब गिरते हुए देख रहे हैं तुमने मुझे? गिर पड़ तो ये औरतें रही है तुझे देख देख देख। चले चले आनी, आपके दफ्तर से युवान बच्चों के पास जाते हैं और पहले पूरा माजरा जानते हैं। बस फिर क्या था, युवान भी बच्चों के साथ मिलकर अपने फिट बॉडी को फ्लॉन्ट करते हुए अपने रेट और बढ़ा देते हैं। ये कौन सा नेल कलर है? हाय, थोड़े से पैसों के लिए मेरा शरीर। यार हमारा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है भाई, ये देखो 6 सालों का जमा हो गया मेरे, देखो कितने सारे और सजनियों। युवान चोपड़ा के साथ सेल्फी क्लिक कराने के सिर्फ 299 रुपए। तभी वहाँ युवान की फ्रेंड आकर युवान को बताती है कि वेलफेयर से कोई ऑफिसर ये चेक करने आ रही हैं कि वो बच्चों का ध्यान कैसे रख रहे हैं। युवान भी अपने बच्चों के साथ ऑफिसर के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बहुत बढ़िया माती, आप ना गरम गरम पकौड़े तल लो, बड़ी मजेदार फिल्म शुरू होने वाली है कुछ देर में। हाँ सही बोलिए, देख अम्मू को पता एक गार्डियन का अपने बच्चों के लिए प्यार है ना। हाँ। और रही बात उस वेलफेयर ऑफिसर की, उसको तो मैंने किया हूँ। हाँ, वो तो मैं देख लूंगी, तो देख लेना। चलिए अब जरा अमृत और युवान की नोकझोंक की कहानी सुनते हैं खुद अमृत की जुबानी। युवान है बहुत केयरलेस ना, क्या करे, और अमृत जो है बहुत मॉरलिस्टिक है लाइफ में, उसकी रूल्स है, युवान की रूल्स नहीं है। तो जब दो लोग साथ में होते हैं तब बहुत नोकझोंक होती है, तू मैं होती है। अमृत को तो बड़ा मजा आता है जब युवान की बैंड बजती है, तो अमृत खुश हो जाती है, उसका दिन बन जाता है। वेल, अब ऑफिसर के सामने युवान हालातों को कैसे संभालेंगे ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, जिसकी अपडेट यूमियो टीवी आपको देता रहेगा। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।